चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर एसेंशियली डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स फंजाई प्लांट एंड एनिमल्स। अब इन्होंने कहा कि जैसे हमने पहले पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो किस चीज़ के साथ डील करेगी, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन मतलब कोई चीज़ जब हम उसे हज़ारों लीटर की तादाद में उस स्केल पर हम बनाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। किस चीज़ का, बायोफार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ वगैरह एंड बायोलॉजिकल्स। यूजिंग किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब, ऐसे माइक्रोब जिनके हम जीन के साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं, ऐसी फंजाई, ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स थेरेप्यूटिक्स डायग्नोस्टिक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड बायोरेमिडिएशन वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। अब इन्होंने कहा कि जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है इसे हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, थेरेप्यूटिक्स दवाइयों में, डायग्नोस्टिक किसी बीमारी को पहचानने में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर जब हम खेती किसानी करें तो ऐसे क्रॉप बना लें जिनकी पैदावार ज़्यादा हो या जिन्हें बीमारी कम हो। प्रोसेस फूड बायो रेमिडिएशन, रेमिडी का मतलब होता है दवाई, रेमिडिएशन मतलब इलाज करना। बायो रेमिडिएशन किसी बायोलॉजिकल किसी लिविंग चीज़ का इस्तेमाल करके क्या करना, किसी का इलाज करना, किसी चीज़ को ठीक करना। बायो रेमिडिएशन के बारे में एनसीईआरटी के बाहर का एक टॉपिक है स्यूडोमोनास पेट्यूडा, ठीक, स्यूडोमोनास पेट्यूडा लिखा हुआ है, ठीक। अब स्यूडोमोनास पेट्यूडा का केस क्या है कि ये कहाँ पर यूज़ हुआ था, ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल होने का मतलब ये है कि जैसे कि समुंदर वगैरह में तेल का पाइप का अगर कोई फट जाता है तो पूरे समुंदर में क्या हो जाएगा, तेल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे। जब तेल की एक पूरी लेयर बन जाती है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन बाहर से नहीं जा पाती, पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो जितनी भी मछली होंगी वो सब के सब मर जाएंगी। तो ये पूछा जा चुका है स्यूडोमोनास पेट्यूडिया कहाँ यूज़ हुआ था, ऑयल स्पिल में, कैसे बनाया गया था, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया था, किसका केस है, बायो रेमिडिएशन का केस है। वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर। अब इन्होंने कहा कि जो तीन मेन एरिया है जहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से रिसर्च कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। सबसे पहला जो वो है एरिया वो क्या है कि हम इतना अच्छा कोई एक कैटलिस्ट बना सकें जो मतलब अच्छी हमारे बहुत काम आए किसी रिएक्शन वगैरह को कराने में। इन द फॉर्म ऑफ, वो जो कैटलिस्ट हो वो किसकी फॉर्म में होगा, ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में होगा, मतलब कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा, यूजुअली अ माइक्रोब, ज़्यादातर क्या होगा एक माइक्रोब होगा, और प्योर एंजाइम। एंजाइम एक्चुअल में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो हम किसी बैक्टीरिया से क्या करेंगे वाला प्रोटीन या वाला एंजाइम बनवा लेंगे और उसके जरिए हम उसे कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। सेकंड हम क्या करेंगे कि ऑप्टिमल कंडीशंस जो उस कैटलिस्ट को काम करने के लिए कंडीशन चाहिए हम वो कंडीशन उसे प्रोवाइड करेंगे। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरीफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या आएगा, एक तो प्यूरिफिकेशन आता है और दूसरा सेपरेशन आता है कि हम पहले जो प्रोटीन बना उसे सेल से बाहर निकालेंगे, उसे प्यूरीफाई करेंगे, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बींग्स हैव यूज बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। अब हमें ये पढ़ना चाहिए कि जो बायोटेक्नोलॉजी है इंसानों ने उसका किस तरीके से इस्तेमाल करा टू इम्प्रूव, ताकि वो इम्प्रूव कर सकें किस चीज़ को, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को स्पेशली, खास करके कहाँ कि फूड प्रोडक्शन की कितनी पैदावार बन रही है इस चीज़ को हम इंक्रीज कर लें, तो इस सब बारे में उन्होंने इस्तेमाल करा बायोटेक्नोलॉजी। अब इन्होंने कहा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, कि जो बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस हैं किसमें, एग्रीकल्चर में। लेट अस टेक अ लुक एट थ्री ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। अब इन्होंने कहा कि अब हम तीन ऑप्शन पर नज़र डालेंगे जिसको हम सोच सकते हैं कि हम इस तरीके से इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, कि जो फूड का प्रोडक्शन है जो उसकी पैदावार है उसको हम बढ़ा सकें। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब हम सब जानते हैं खेती बाड़ी करना, एग्रोकेमिकल, ठीक, मतलब ऐसे केमिकल जो कहाँ इस्तेमाल होंगे एग्रीकल्चर में, उन केमिकल को क्या बोलेंगे, एग्रोकेमिकल। हम फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करके क्या करें, एग्रीकल्चर करें, दवाइयाँ आती हैं उसका इस्तेमाल करें। सेकंड क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में एक भी हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही इसमें कोई पेस्टिसाइड यूज़ होगा, ना ही इसमें कोई इंसेक्टिसाइड यूज़ होगा, पूरा काम ऑर्गेनिक होगा, मतलब कि खाद हम गाय भैंसों वाला इस्तेमाल करेंगे, ह्यूमन वाला मैन्यूर इस्तेमाल करेंगे, कोई भी बाहर से हम दवाई वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। थर्ड आता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर,
कि किस चीज के ऊपर बेस होगा, क्रॉप बेस्ड है। मतलब अब क्या हमने क्या करा कि पेड़ ही हमने इस तरीके से बना लिए, उनके जीन के साथ हमने इस तरीके से छेड़छाड़ करी कि इन्हें बीमारी नहीं लगेगी, कम बीमार होंगे, इंसेक्ट अगर होगा भी तो उनके ऊपर हमला नहीं कर सकता, तो इन्हें हमें कीटनाशक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब इन कीड़ा जो है इनके ऊपर हमला नहीं कर सकता, या फिर उनकी जो पैदावार होगी वो ज़्यादा होगी। द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेडिंग इन द ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अब इन्होंने कहा कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है सक्सेड, वो कामयाब हो गया था। किस चीज़ में कामयाब हो गया था? ट्रिपलिंग करने में। अंडरलाइन कर लेना, किस चीज़ को ट्रिपलिंग करने में? फूड की सप्लाई। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले अगर 100 क्विंटल बनते थे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हो गया, 3 ज़्यादा बढ़ गए, तो कितना हो गया, 300 हो गया। बट येट इट वॉज नॉट इनफ, वो भी हमारे सर उसके लिए देश के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि जो हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन जिस हिसाब से इंक्रीज कर रही थी वो बहुत ज़्यादा रेट थे। इंक्रीज ईल्ड्स हैव पार्टली बीन ड्यू टू द यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी। अंडरलाइन कर लो। अब इन्होंने कहा कि जो थोड़ी बहुत पैदावार बढ़ी है उसका थोड़ा सा क्रेडिट किसको भी जाता है कि हमने अच्छी वैरायटी वाले क्रॉप इस्तेमाल किए, बट मेनली, लेकिन बहुत बड़ा क्रेडिट किसको जाएगा, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रो केमिकल, कि हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करें एग्री केमिकल के नाम पे, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स हमने इस्तेमाल करें, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस हमने इस्तेमाल करी है, इस वजह से ज़्यादा क्रेडिट है, इस चीज़ को ज़्यादा क्रेडिट है, और अच्छे क्रॉप वैरायटी को क्रेडिट कम जाएगा। However, for farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive and further increases in yield with existing variety are not possible using conventional breeding. अब इन्होंने कहा लेकिन जब हमारी दुनिया तब्दील हो रही है, डेवलप हो रही है, आज के टाइम पे भी फार्मर्स के लिए ये जो एग्रीकेमिकल आते हैं, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटी, और जो ये वैरायटी पहले से पुरानी वाली इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, इनके इस्तेमाल करने के बाद भी जो यील्ड है, पैदावार, वो ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है। मतलब कहने का मतलब ये कि वो इतने महंगी दवाइयाँ लगा रहे हैं जब भी उन्हें ज़्यादा पैदावार नहीं मिल रही। Is there any alternative path that our understanding of genetics can show so that farmer may obtain maximum yield from their field? अब इन्होंने कहा क्या कोई ऐसा alternative path, क्या कोई ऐसा दूसरा रास्ता है जीन को समझने का, जेनेटिक्स को समझने का, ताकि हम कुछ इस तरीके के चेंज लाएं ताकि किसानों को क्या मिले, मैक्सिमम यील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जितनी भी इन्हें अपने जंगलों से मिल सकती हो उतनी मिलने लगे। इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट आर रिड्यूस। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम मिनिमाइज कर सकें कि फर्टिलाइजर और केमिकल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कम कर सकें, ताकि जो उनके हार्मफुल इफेक्ट हैं वो हमारे एनवायरनमेंट पर कम हो जाएं। यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। तो ये जितनी भी दिक्कतें हैं इन सबका इलाज क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये इसका इलाज है। अब इन्होंने समझाया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO क्या होते हैं, अंडरलाइन कर लेना फुल फॉर्म, प्लांट्स बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल्स हूज जीन हैव बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब इन्होंने कहा कि चाहे वो प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे वो एनिमल हो, जिसके भी जीन के साथ हम छेड़छाड़ कर चुके हैं, उसमें चेंज ला चुके हैं, ऑल्टर हम उन्हें कर चुके हैं, तो उन सब ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। GM प्लांट्स have been useful in many way, genetic modification has। अब इन्होंने कहा कि genetically modified plants को हम बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उनके फ़ायदे क्या हैं, सबसे पहला फ़ायदा, made crops more tolerant to abiotic stress, cold, drought, salt and heat। अब इन्होंने कहा कि जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा झेल सकते हैं, किसको ज़्यादा झेल सकते हैं, abiotic stress, abiotic जो चीज़ ज़िंदा ना हो, जैसे कि टेम्परेचर वगैरह, हवा की स्पीड, तापमान, पानी, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएंगी, एबायोटिक स्ट्रेस, जो फार्मर वाली लाइन से उन्हें पता होता है कि अगर ठंड ज़्यादा हो जाए या गर्मी ज़्यादा हो जाए, बारिश ज़्यादा पड़ जाए तो कितना कितना नुकसान हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को वो झेलने की क्षमता ज़्यादा रखेंगे क्रॉप्स। सेकंड चीज़, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। अब इन्होंने कहा कि जो सेकंड वाली कैटेगरी है क्रॉप्स की, वो कौन सी है, कि रिड्यूस रिलायंस, रिलायंस का मतलब डिपेंडेंस, कि अब जो ये पेड़ हैं वो केमिकल पेस्टिसाइड पे बहुत ज़्यादा कम डिपेंड करते हैं, इतने डिपेंड नहीं होंगे जितने कि वो पहले डिपेंड होते थे। इस तरीके की प्लांट को हम क्या बोलेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। रेजिस्टेंट का मतलब क्या, ये अपने आप को महफूज कर सकते हैं, इनके ऊपर किसका असर नहीं होगा, पेस्ट। पेस्ट किन्हें बोलते हैं, कीड़ों को, जैसे कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये चूहे वगैरह जो होंगे इन सबको हम क्या बोलेंगे, पेस्ट। तो ये जो क्रॉप्स हैं ये कैसे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट, मतलब इनके ऊपर पेस्ट हमला नहीं कर सकते, तो दवाइयों की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं।
थर्ड ऑप्शन हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब इन्होंने कहा कि तीसरा ऑप्शन जो है ये है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, कि हमने फसल काट के रख ली, अब क्या हुआ, बारिश पड़ती रही, बहुत दिनों तक बारिश पड़ती रही, हम उसे मार्केट में जाके सेल नहीं कर पाए, तो वो घर में रखे रखे ही खराब हो जाएगी। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल को काटना, कि फसल को काटने के बाद जो नुकसान होंगे, जैसे गेहूं वगैरह हैं तो उसमें सुरसली वगैरह हो जाती हैं, तो उस वजह से गेहूं रखे रखे बीत जाते हैं, चावल वगैरह में दिक्कत होने लगती है, तो इन सब तरीके के नुकसान को भी वो ज़्यादा मतलब अपने आप से को महफूज कर पाएंगे, ज़्यादा असर उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब इन्होंने कहा कि सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, अब उनको जो यूज़ करने की इफिशियंसी है प्लांट की, वो ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि प्लांट को पहले अगर जो काम करने के लिए 10 ग्राम सल्फर चाहिए होगा, जब इनकी एफिशिएंसी बढ़ गई तो वो 10 ग्राम के बदले 8 ग्राम ही सल्फर लेंगे, क्योंकि 8 ग्राम से ही उनका काम हो जाएगा, तो मिट्टी में 2 ग्राम सल्फर और बच जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो जो 2 ग्राम सल्फर है वो अगली बार प्लांट के काम आ जाएगा, तो प्लांट सॉइल की क्या बचेगी, फर्टिलिटी बचेगी। ये क्या करेगा, दिस प्रिवेंट, ये रोकेगा किस चीज़ को, अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब जो है सॉइल जो होगी, मिट्टी, वो जल्दी से बंजर नहीं रहेगी, वो बेकार नहीं होगी, अच्छे खासे टाइम तक सॉइल जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि मिनरल जो होंगे अब प्लांट वो कम इस्तेमाल करेंगे, कम इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जाम्पल गोल्डन राइस दैट इज विटामिन ए एंड रिच राइस। ये क्वेश्चन आ चुका है, 2019 का क्वेश्चन है। इनहेंस बढ़ाना, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, कि फूड में जो न्यूट्रिशन वाली वैल्यू है उस चीज़ को हम बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में क्या है, बासमती, बासमती के साथ किसके जीन मिलाए गए थे, डैफोडिल के। डैफोडिल क्या है, ये एक फ्लावर होता है, खुशबू आती है इसके अंदर से, तो इन दोनों के जीन्स मिलाए गए थे। क्वेश्चन यही आया था नीट में एनसीईआरटी के बाहर का, कि बताओ गोल्डन राइस में किस किस के जीन मिलाए गए हैं, तो बासमती के और डैफोडिल वाले। क्या खासियत है, विटामिन ए एनरिच्ड राइस, इस चावल के अंदर क्या होगा, विटामिन ए बहुत ज़्यादा होगा। इन एडिशन टू दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। अब इन्होंने कहा कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के जरिए टेलर मेड प्लांट, अपने हिसाब से हम प्लांट के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई प्लांट है ज़्यादा हाइट हो उसकी, तो ज़्यादा हाइट कर लेंगे, उसमें ज़्यादा लकड़ी मिलेगी, तो हमारे जलाने वगैरह के लिए काम आ जाएगी। शुगर केन है, उसमें इस तरीके की चीज़ लाएंगे कि वो मोटा ज़्यादा हो और लंबाई भी उसकी ज़्यादा हो, तो उसका वज़न ज़्यादा होगा, वज़न ज़्यादा होगा तो उसमें स्टार्च वगैरह या चीनी वगैरह ज़्यादा निकलेगी, मार्केट में अच्छे वैल्यू में बिकेगी। या जैसे कि कोई प्लांट है वोमिटेरिया रॉ वॉल्फिया, उसके अंदर क्या रेजरपाइन बनता है, ठीक, रेजरपाइन बनता है, तो इस तरीके से चेंजेस करेंगे कि रेजरपाइन अब और ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा बनेगा तो फार्मास्यूटिकल्स दवाई वगैरह में हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये बहुत सारे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज होंगे इंडस्ट्रीज के लिए, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। Some of the application of biotechnology in agriculture that you will study in details are the production of pest resistant plant. अब इन्होंने कहा कि कुछ application ऐसी है जिन्हें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें से कौन सा पार्ट ऐसा है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ये वाली कैटेगरी ऐसी है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे कीटनाशक इस्तेमाल हो रहे होंगे वो अब हम कम इस्तेमाल करेंगे। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थुरिंजिनेसिस, बीटी फॉर शॉर्ट। इन्होंने कहा एक टॉक्सिन है, क्या नाम है, बीटी टॉक्सिन। कौन बनाता है, एक बैक्टीरिया बनाता है, बैक्टीरिया है तो किंगडम कौन सा होगा, मोनेरा किंगडम। क्या नाम है इसका, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, बीटी। बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। अब इन्होंने कहा हमने क्या करा, बीटी टॉक्सिन के जीन निकाले, कहाँ से निकाले, बैक्टीरिया से, क्लोन करा मतलब उसकी कॉपी बनाई, कॉपी बना के कहाँ डाला, प्लांट में, प्लांट में एक्सप्रेस हुए हैं। एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर जब हमने ये वाला जीन डाला, डीएनए डाला, इस डीएनए से आरएनए बनेगा और उस आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। इसका प्रोटीन क्या है, एक टॉक्सिन है और एक जहर है। अब जब भी कोई, अब ये टॉक्सिन, ये जो प्रोटीन है उसकी पत्ती पत्ती में होगा, जब कोई कीड़ा वगैरह उसकी पत्ती को खाएगा तो कीड़े के अंदर चला जाएगा वो वाला जहर और कीड़ा मर जाएगा। जब कीड़ा अपने आप मर जाएगा तो इसमें हमें इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायो पेस्टिसाइड, और हमने क्या बना लिया, एक बायो पेस्टिसाइड बना लिया। बायो का मतलब होता है लिविंग, पेस्टिसाइड का मतलब मारने वाला, कीड़े मारने वाला, तो प्लांट क्या है, लिविंग है, तो ये क्या बन गया, और वही कीड़ों को मार रहा है अपनी पत्तियों के जरिए, तो ये क्या बन गया, बायो पेस्टिसाइड बन गया।
एग्जाम्पल्स आर बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। इसमें से सिर्फ जो अभी मेरे ख्याल से लाइसेंस मिला है वो बीटी कॉटन को ही मिला है, क्योंकि जो कॉर्न वगैरह है वो हम भी खाएंगे, हमारे अंदर भी टॉक्सिन चला जाएगा और वो हमें भी नुकसान बराबर देगा। तो लेकिन कॉटन एक ऐसी चीज़ है, ना तो हम इसकी पत्ती खाते हैं, ना ही हम इसका कोई पार्ट खाते हैं, बस ये पहनने वगैरह में इस्तेमाल होगा, तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। अब आता बीटी कॉटन। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिंजिनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरेंस, टोबैको बडवॉर्म, आर्मी वॉर्म, कॉलियोप्टेरेंस, बीटल्स, डिप्टेरेंस, फ्लाइज, मॉस्किटोज। अब इन्होंने कहा सम स्ट्रेन कि कुछ जीन के स्ट्रेन होंगे किसके, बैसिलस थुरिंजिनेसिस के, वो प्रोटीन्स बनाते हैं, वो प्रोटीन क्या करेगा, किल कर देगा, मार देगा, किसको मारेगा, इंसेक्ट। इंसेक्ट की बहुत सारी कैटेगरी है, अंडरलाइन करना। लेपिडोप्टेरेंस के अंदर क्या क्या आएगा, टोबैको बडवॉर्म और आर्मी वॉर्म। कोलियोप्टेरेंस के अंदर कौन आएगा, बीटल्स आते हैं। और डिप्टेरेंस के अंदर कौन आएंगी, फ्लाइज और मॉस्किटो। इन सब के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बैसिलस थुरिंजिनेसिस फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल, वो क्या करेगा, प्रोटीन को क्रिस्टल बनाएगा ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ दियर ग्रोथ। अंडरलाइन कर लेना कि इन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के पूरे पीरियड में किसी एक टाइम पे वो बनाएगा, तो किस टाइम पे बनाता है, स्पोरुलेशन के टाइम पे। जिस टाइम बैसिलस थुरिंजिनेसिस रिप्रोड्यूस करेगा, स्पोर बनाएगा, उस टाइम पे वो क्या करेगा, इस तरीके के प्रोटीन वाले क्रिस्टल्स बना देता है। दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ये जो क्रिस्टल्स होंगे, ये जो दाने होंगे, इनके अंदर क्या होगा, एक टॉक्सिक जहर होगा। वो जहर कैसा है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। साइडल का मतलब क्या होता है, मारना, जहाँ पे भी साइडल होगा मारने वाला, इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट को मारने वाला। व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस। अब इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने खुद ने ही एक क्वेश्चन पूछा कि ये जो टॉक्सिन है, ये जो जहर है, ये खुद इस बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार देता। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रो टॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, इट इज कन्वर्टेड इन टू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ गट विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल। अब इन्होंने कहा कि एक्चुअल में जब ये कीड़ा प्रोटीन को बनाता है तो कौन सी वाली फॉर्म में बनाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में। जब वो बैक्टीरिया बना रहा है तो इनएक्टिव है, तो बैक्टीरिया को ये नहीं मारेगा। लेकिन जब कोई कीड़ा इसे इंजेस्ट कर लेगा, खा लेगा इनएक्टिव वाले को, इट इज कन्वर्टेड इन टू एक्टिव फॉर्म। वो अपनी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव वाली फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एक्टिव वाली फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, अल्कलाइन पीएच, कि जब उसे 7 से ज्यादा का पीएच, बेसिक वाला पीएच इसे मिलेगा ऑफ द गट इंटेस्टाइन का, तो ये जो क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, सॉल्युबलाइज, और वो एक्टिव वाली उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द मिडगट एपिथेलियल सेल। अब इन्होंने कहा कि ये जो टॉक्सिन एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद किससे जाके जुड़ेगा, मिडगट, उसकी जो बिल्कुल बीच वाली आंत होगी वहां के एपिथेलियल सेल से जाके जुड़ जाएगा एंड क्रिएट पोर। ठीक, और क्या करा देगा वहाँ पे, सबसे पहले छेद कराएगा, क्रिएट पोर दैट कॉज सेल स्वेलिंग। छेद होने की वजह से वहाँ पे क्या होगी, सेल स्वेल होने लगेगा। एंड लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है फटना, और फिर वहाँ का जो सेल होगा उसका, इंसेक्ट का, वो फटने लगेगा। एंड इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ इंसेक्ट, और फिर क्या होगा, जो कीड़ा है वो मर जाएगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करेगा, पोर छेद करेगा, छेद होने की वजह से क्या होगी, स्वेलिंग, वहाँ पे सूजन आ जाएगी। सूजन के बाद क्या होगा, लाइसिस, मतलब वो जो सेल है वो फटने लगेंगे वहाँ से, जो उसके इंटेस्टाइन है वो फटने लगेगी, और फिर उसके बाद वो कीड़ा मर जाएगा। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थुरिंजिनेसिस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट्स सच एज कॉटन। अब इन्होंने कहा कि जो स्पेसिफिक कुछ फिक्स वाले बीटी टॉक्सिन के जीन थे, वर आइसोलेटेड, हमने बाहर निकाले, किससे निकाले, हमने बैसिलस थुरिंजिनेसिस से, एंड इनकॉर्पोरेटेड, फिर हमने उसे अंदर डाल दिया, किसके अंदर डाला, कुछ क्रॉप प्लांट्स के अंदर डाला, जैसे कि कॉटन वगैरह के। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेट पेस्ट, अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, कि जिस तरीके का जीन हम इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करेगा, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, पहली चीज़ क्रॉप की, वो पेड़ कौन सा है, और दूसरी चीज़ टारगेटेड पेस्ट कि पेस्ट कौन सा है, कि हम कौन से वाले कीड़े को मारना चाह रहे हैं, इन दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो दो पॉइंट है जिन पे ये डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहली चीज़ किस पे डिपेंड करेगा, क्रॉप पे, क्रॉप वाली बात किसी को ध्यान नहीं आएगी, टारगेटेड पेस्ट सबको जहन चला जाएगा कि कौन सा कीड़ा हमें मारना है, एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि पेड़ कौन सा है। एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, कि जो बीटी टॉक्सिन होते हैं वो कैसे होते हैं, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड कीड़े हैं जिन्हें ये मारेगा, और उनके अलावा किसी को भी नहीं मारेगा, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, या फिर नैरो रेंज, कि इनकी जो रेंज है वो क्या है, नैरो है, बारीक है, कि सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड वालों को ही ये मारेंगे। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन क्राई वन ए सी नेम्ड क्राई। अब उन्होंने कहा कि जो टॉक्सिन है, जिस जीन से बनता है,
उस वो जीन एक्चुअल में क्या है, क्राइवन एसी, उसको हम क्या नाम देते हैं, क्राई वाले नाम से हम उसे जानते हैं। देर आर नंबर ऑफ देम, बहुत सारे क्राई वाले जीन हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल द प्रोटीन्स इनकोडेड बाय जीन्स क्राइवन एसी एंड क्राई सेकंड एबी कंट्रोल्स द कॉटन बुल वर्म। अब उन्होंने कहा कि वो प्रोटीन, वो टॉक्सिन जो कौन से वाले जीन से बनेगा, क्राइवन एसी से और क्राई सेकंड एबी से, वो कहाँ पर इस्तेमाल होंगे, कॉटन वाले पेड़ में इस्तेमाल होंगे और किसके खिलाफ होंगे, बुल वर्म के खिलाफ वो इस्तेमाल होंगे। उसके अलावा जो क्राइवन एबी वाला जीन है वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, कॉर्न बोरर के खिलाफ वो इस्तेमाल होगा। फिर इन्होंने डायग्राम में दिखा रखे हैं, अब फुल्ली मैच्योर, ठीक है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, चलो अब